करें। चलिए, समाधि पाद हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं साधन पाद को। साधन पाद का जो पहला सूत्र है उसको बोलेंगे निष्ठा जी। आप आइए सामने, बोलिए। तपह तपः स्वाध्याय स्वाध्याय ईश्वर ईश्वर प्रणिधानानि प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्रियायोगः तपः स्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आइए सौरभ जी। तपः स्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। अगर आप स्वाध्याय बोलते हैं तो ठीक है, अगर स्वाध्याय ये बोलते हैं तो फिर ई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए और ई मिलके आपका ए हो गया है पहले ही। ठीक जी है, सर, जी सर, जी तो सर। ईश्वर का ई यहाँ जुड़ चुका है, ए इसके ए का पीछे का, ये का पीछे का, ये ए हो चुका है, ए हो गया। तो स्वाध्यायेश्वर, ये के बाद सीधा श बोलेगा, ई तो स्किप हो गया यहाँ पे। ठीक जी सर, है, तप स्वाध्यायेश, येश ई नहीं आएगा इसमें, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। जी सर। तपः स्वाध्याये ईश्वर तपः स्वाध्याये स्वर परिधानानि क्रिया योगः। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। निष्ठा जी, समाधि समाधि भावनार्थ, भावनार्थ समाधि भावनार्थ समाधि भावनार्थ क्लेश क्लेश तनु तनु करणार्थश कर्णार्थश च। च ठीक है, तो समाधि भावनार्थ समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश तनु करणार्थश्च हाँ, अब इसको इकट्ठा बोलेंगे, च अलग से नहीं बोलेंगे। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। जी आइए सौरभ जी। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। ठीक है, पूजा जी आप आइए सामने, पढ़िए तो इसको। हाँ समाधि भावनार्थ क्लेश क्लेश तनु करणाश्चर करणार्थ करणार्थश्च करणार्थश्च करणार्थश्च। करणार्थश्च पूजा भारती जी आइए आप सामने। पूजा समाधि भारती जी, हाँ बोलिए। भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। माला साहू जी आइए। माला साहू नहीं है, नहीं है। अल्फिया जी आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ चलते हैं हम। निष्ठा जी, अविद्या अविद्या अस्मिता अस्मिता राग राग द्वेष द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश यहाँ पे कई जगह पंच भी लिखा जाता है, कई जगह नहीं लिखा मिलता, क्लेशा। हाँ, तो आपने इनको सबको इकट्ठा बोलना, ये द्वेष और अभिनिवेश का आ जो है आ बन जाएगा यहाँ पे, द्वेषाभिनिवेशा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये द्वेषा जो है यहाँ इसको तोड़ेंगे तो आ बन जाएगा, और इकट्ठा मिलाएंगे इनको तो आ बन जाएगा, द्वेषाभिनिवेशा। तो यहाँ ए की आवाज नहीं आएगी, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा।
अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः या अविद्या के बाद अस्मिता नहीं बोलेगा, सीधा स्मिता बोलेगा, अविद्या अस्मिता आ नहीं बोलेगा, यहाँ पे भी स्किप हो जाएगा। बोलिए। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः जी, जहाँ दो डॉट्स मिले आपको इसको विसर्ग बोलते हैं, वो आपको थोड़ा सा पोज लेना पड़ेगा, एक बार रुक जाइए फिर तुरंत चल पड़िए, ताकि सामने वाले सुनने वाले को लगे कि हाँ इसके बीच में विसर्ग था। ठीक है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्याश्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए सामने। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः जोड़ के बोलिए, अभी आपने अलग अलग बोला इनको। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः अविद्या अविद्या अस्मिता नहीं बोलेगा यहाँ पे, आस्किप है देखो। अविद्या अस्मिता यानी अविदास, दास हो गया ना सीधा, दास स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा, यहाँ भी एस्किप हो गया, द्वेषा के बाद सीधा भी आएगा, यानी आएगा द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः जी सर। पढ़िए। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः जी, प्रैक्टिस करिएगा आप, हो जाएगा, बार बार कोशिश करिए पढ़ने की। मैंने बोला था आप लिखा करो, 5 बार 7 बार जब भी लिखो इसको, लिखते लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निष्ठा जी आइए सामने। अविद्या अविद्या क्षेत्र क्षेत्र हाँ इसमें मैं भी जोड़ लेंगे हम, क्षेत्र में क्षेत्र में, अब मैं के नीचे का जो उ है ना वो उ पीछे चले जाएगा, उत्तरेषाम उत्तरेषाम, अब इसको इकट्ठा बोलेंगे तो क्षेत्र मुत्रेषाम अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम बहुत बढ़िया। प्रसुप्त प्रसुप्त तनु तनु विच्छिन्न विच्छिन्न हाँ या विच्छिन्न हो गया, और विच्छिन्नों का जो ओ की मात्रा है वो पीछे चले जाएगी तो उ बन जाएगा, उदाराणाम उदाराणाम हाँ। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट आइए। अविद्या क्षेत्र मूत्र क्षेत्र अविद्या क्षेत्र मूत्र साम प्रसुप्त अनु विच्छिन्नो विच्छिन्नो उदारानाम उनी बोलना आपने, यहाँ विच्छिन्नो दारानाम बोलना। अविद्या क्षेत्र मूत्र साम प्रसुप्त अनु विच्छिन्न विच्छिन्नो दारानाम देखो हिंदी पढ़ने में संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा चेंज है, आप इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा लय में बोलिए, ठीक है okay. फ्लो में बोलिए। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, आप तो ऐसे बोलिए अविद्या क्षेत्र क्षेत्र मुत्रेषाम, ऐसे तो आप ऐसा लग रहा है जैसे आप इकट्ठा एक एक वर्ड को पढ़ रहे हो, अब इकट्ठा बोलिए इसको, अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम। ओके सर। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, देखो इसके बीच में गैप है ना, अविद्या के और क्षेत्र के बीच में जी सर, ठीक है ना, इनको अलग अलग पढ़िए। अविद्या क्षेत्र मूत्र शाम फ्लो पूरा एक नहीं बनाना, जहां तोड़ना है वहां तोड़िए आप उसको, अविद्या क्षेत्र मूत्र शाम फिर से रुकिए चलिए, प्रसुप्त तनो विच्छिन्नो धारणम जी सर। अविद्या क्षेत्र मूत्र शाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणम ठीक है ठीक, जैसे आप गायत्री मंत्र बोलते हैं ना ओम भूर भुव स्वः, अब रुक गए फिर से सांस लेते फिर दूसरी लाइन पढ़ते फिर रुक गए फिर से तीसरी लाइन लेते हैं सांस भर के फिर तीसरी लाइन को कवर करते हैं फिर सांस लेते फिर चौथी लाइन को कवर, और चाहे तो आपके अंदर इतनी ब्रीदिंग कैपेसिटी है कि आप एक सांस में पूरा गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो 2 लाइन तो एक बार में बोल सकते हैं, पर फिर भी आप रुकते हैं ना हर लाइन के एंड पे और फिर ओम शांति
फिर रुकते हैं, शांति फिर रुकते हैं, शांति ही फिर रुकते हैं। नहीं तो ओम शांति 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 ऐसे कह दो तो खिचड़ी सी बन गई, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने किसी मंत्र का उच्चारण किया। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अविद्या क्षेत्र मूत्र शाम उसके बाद रुके, प्रसुप्त तिन्नो तनु विच्छिन्नो धारणाम। पूजा रानी जी आइए सामने। अविद्या क्षेत्र मूत्र शाम प्रसुप्त प्रसुप्त अनुविच्छो धारणाम। प्रसुप्त अनु कहाँ से आया इसमें, इस तय को कौन कहाँ ले गए आप? प्रसुप्त तनु आएगा, प्रसुप्त तनु विच्छो धारणाम, विच्छिन्नो विच्छिन्नो प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम। ठीक है जी, और किसी की इच्छा है बोलने की? आइए सामने। अविद्या क्षेत्र मूत्रे शाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम। ठीक है जी, और किसी की इच्छा है सामने आने की? चलिए निष्ठा जी नेक्स्ट पे आते हैं, बोलिए। अनित्य अनित्य, असुचि असुचि, हाँ अनित्य और आ की मात्रा है ना जो या के पीछे, तो ये पीछे चली जाएगी, असुचि आ जाएगा। अनित्य असुचि, अनित्य असुचि, हाँ उसके बाद बोलिए दुख दुख, अनात्मसु अनात्मसु, नित्य नित्य, सुचि सुचि, सुख सुख, आत्म 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 आत्म, हाँ आत्म आत्म, ख्यातिर ख्यातिर, विद्या विद्या, ख्यातिर के बाद है ना अ है, जब इसको तोड़ेंगे ख्यातिर को और विद्या को तो अ टूट के इसमें पीछे लग जाएगा, तो ख्यातिर अविद्या, ख्यातिर अविद्या। ठीक है, मैं एक एक वर्ड को तोड़ के आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, और आप है ना इसको लिखते भी रहना जहां से मैं तोड़ रहा हूँ, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब आपने बोलना है अनित्य असुचि, अनित्य असुचि, अब इसको इकट्ठा करना है, अनित्य सुचि अनित्य सुचि। क्या नाम, निष्ठा जी आपके साइड कोई फैन वैन चल रहा है, उसकी आवाज ज्यादा आ रही, पहले तो आप उसको बंद करिए, क्या है? ओके ओके सर, ठीक है बोलिए, अनित्य अनित्य प्लस असुचि को इकट्ठा, हाँ असुचि को इकट्ठा बोलना आपने, अनित्य सुचि अनित्य असुचि, फिर अ नहीं जो बोलना, फिर तो या बन गया ना ये, अनित्य सुचि अनित्य सुचि, गुड। हाँ आगे बोलना फिर आपने, दुख को और अनात्मसु को इकट्ठा बोलना, दुख प्लस अनात्म का बन गया दुखात्म दुखानात्म, ठीक है, तो अनित्य सुचि अनित्य सुचि, दुखानात्मसु अनित्य सुचि, बोलिए अनित्य सुचि दुखात्मसु, दुखा दुखानात्मसु, यस सर, ना को भी इंक्लूड करना है ना, हाँ दुखाना, ये अनात्म का तो है पार्ट, यस सर, अनित्य अनित्य सुचि दुखात्मसु दुखानात्मसु दुखानात्मसु अनित्य असुचि दुखानात्मसु, अनित्य असुचि नहीं बोलना, अनित्य सुचि, यस सर, अनित्य सुखी अनित्य सुचि दुखनात्मसु अनित्य सुचि दुखानात्मसु अनित्य सुचि दुखाना, सर ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, अनित्य सुचि दुखानात्मसु अनित्य सुचि दुखनात्मसु अनित्य सुचि दुखानात्मसु अनित्य सुचि दुखानामस अनित्य सुचि दुखानात्मसु दुखानात्मसु जी सर अनित्य सुचि दुखानात्मसु ठीक है ठीक है दुखानात्मसु दुखानात्मसु गुड
दुखानात्मसु अनित्यासुचि दुखानात्मसु। हाँ आगे बोलिए फिर। नित्यासुचि नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या सुखात्म ख्यातिर विद्या। हाँ नित्यासुचि नित्यासुचि आनी बोलेगा यहाँ पे नित्यासुचि नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या सुखात्म ख्यातिर विद्या। गुड। अनित्या सुचि दुखानात्मसु सुखानात् अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्या सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्या सुचि दुखात्म अनित्या सुचि दुखानात्मसु अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए जी सौरभ जी। अनित्यासुचि दुखा अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। गुड गुड। पूजा जी आइए सामने। सर अविद्या ख्यातिर ख्यातिर प्लस अविद्या था ना, तो जब जोड़ेंगे तो आ जुड़ गया ना, तो फिर आ की आवाज नहीं आएगी, विद्या बोलेगा। तोड़ेंगे अच्छा। तो अविद्या बन जाएगा, जुड़ेगा तो फिर आ इकट्ठा बन गया, क्योंकि रा के पीछे लग गया ख्यातिर। ओके सर ओके सर। ठीक है ना। पूजा जी आइए सामने। अनित्य सुचि कौन सी पूजा मैम? कोई भी एक पूजा आ जाओ, दूसरे बाद में आ जाना। ओके सर। अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पूजा आइए। नेक्स्ट पूजा। अनित्य सुचि दुखात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। दुखात्मसु बोल दिया आपने, ना स्किप कर गए जी आप, फिर से बोलिए। दुखानात्मसु है ये। अनित्य सुचि सुखात सुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। मैम दो बार सुख बोल गए, ऊपर दुख है सर, सॉरी दोबारा बोलते हो। कोई बात नहीं बोलिए आराम से बोलिए। अनित्य सुचि दुखात दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए जी निष्ठा जी आइए सामने। दृग दृग दर्शन दर्शन दृग दर्शन दृग दर्शन शक्त्योर शक्त्योर रे के ऊपर जो एक ही मात्रा वो पीछे चली जाएगी। एकात्मता एकात्मता। हाँ तय के ऊपर एक ही मात्रा वो पीछे चली जाएगी तो इव इव अस्मिता अस्मिता। दृग दर्शन दृग दर्शन शक्त्योर शक्त्योर एकात्मता एकात्मता इव इव अस्मिता अस्मिता। अब इव और अस्मिता को अगर इकट्ठा बोलेंगे तो वास्मिता वास्मिता। ठीक है। एकात्मता इव अस्मिता को इकट्ठा बोलेंगे तो बोलेंगे एकात्मते वास्मिता एकात्मते वास्मिता। ठीक है। अब पूरा बोलेंगे सूत्र को। दृग दर्शन शक्त्यो रे एकात्मते वास्मिता दृग दर्शन शक्त्यो रे एकात्मते वास्मिता। हाँ शक्त्यो रे के बाद आपने एकात्मता बोला, ए नहीं बोलना यहाँ पे, रे के बाद सीधा का बोलना है। दृग दर्शन शक्त्यो रे एकात्मते वास्मिता दृग दर्शन शक्त्यो रे एकात्मते स्मिता एकात्मते वास्मिता। ठीक है फिर से बोलिए।
दृग दर्शन शक्तियोर एकात्मते वास्मिता। वास्मिता, गुड, ठीक है। आइए सौरभ जी सामने। दृग दर्शन शक्तियोर एक आत्मते वास्मिता। फिर से बोलिए, दृग दर्शन शक्तियोर एकात्मते वास्मिता। दृग दर्शन शक्तियोर एक आत्मते वा अस्मिता। एक तो है ही नहीं जी, सरा के बाद ए लगाना है ना। दृग दर्शन शक्तियोर एक आत्मते वा अस्मिता। नहीं, आप तोड़ के नहीं बोलना, तोड़ के तो बोल लिया, इकट्ठा बोलिए, शक्तियोर रे कात्मते वा अस्मिता, रे बोलेगा फिर ये। ओके जो आप एकात्मते बोल रहे ना, वो एक वो ए रे के ऊपर, रे के ऊपर चलेगा, वो रे बन गया। दृग दर्शन शक्तियोर एकात्मते वास्मिता। दृग दर्शन शक्तियोर एकात्मते वास्मिता। जी नेक्स्ट आइए कोई भी सामने जिसकी इच्छा हो। दृग दर्शन शक्तियोरे कात्म ते वास्मिता। फिर से बोलिए मैम। दृग दर्शन शक्तियोरे कात्म ते वास्मिता। अल्फिया जी आप आइए सामने। अल्फिया जी नहीं है, पूजा भारती ने बोल लिया। पूजा रानी जी आइए सामने। दृग दर्शन शक्तियोरे कात्म ते वास्मिता। गुड। फिर से बोलिए। दृग दर्शन शक्तियोरे कात्मते वास्मिता। गुड। और किसी की इच्छा है घर में? सबका हो गया। हाँ, इसके लिए तो बड़ा इजी है। सुखानुशयी राग है। सुखानुशयी राग है, ठीक है जी। ठीक है, सुख के पीछे की प्रतीति वाला राग है और दुख के प्रतीति जिससे होती है उसको द्वेष कहते हैं। दुखानुशयी द्वेष है। दुखानुशयी द्वेष है। सुखानुशयी राग है। दुखानुशयी द्वेष है। सुखानुशयी राग है। दुखानुशयी द्वेष है। ठीक, बोलिए आगे सौरभ जी। सुखानुसही राग है। दुखानुसही द्वेष है। जी नेक्स्ट आइए कोई भी सामने। सुखानुसही द्वेष है। फिर से बोलिए मैम। सुखानुसही राग दुखानुसही द्वेष है। जी आइए अब नेक्स्ट कौन बोल रहा था साथ में इनके? पूजा जी। सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। ठीक है, देखो हमने ऊपर पढ़ा था अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, हमने राग पढ़ लिया, सुखानुशयी राग है, फिर द्वेष। अब जब आप चैंटिंग याद करेंगे ना तो आपने ऐसे सूत्र बोल दिया, सुख अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र क्या आना चाहिए आपको माइंड में नहीं आएगा तो यही आएगा, अविद्या किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने अविद्या पढ़ा, फिर अस्मिता पढ़ा, फिर राग। सुखानुशयी राग है, राग के बाद कौन सा सूत्र आना चाहिए? द्वेष वाला। दुखानुशयी द्वेष है, फिर कौन सा आना चाहिए? अभिनिवेश का। तो ये अभिनिवेश का सूत्र आएगा, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने समाधिपाद में पढ़ा ना, पांच प्रकार की वृत्तियां होती है हमारी, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। फिर पांच प्रकार की वृत्ति कौन सी है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है। अब उसके बाद कौन सा सूत्र आना चाहिए? वो आना चाहिए वृत्ति का। ठीक है, प्रमाण का, प्रमाण के बाद विपर का, विपर के बाद विकल्प का, विपर के बाद निद्रा का, निद्रा के बाद स्मृति का। उसके बाद भले कंफ्यूज हो जाए लेकिन वो तो पांच छह तो आपको सिक्वेंस में याद हो गए ना। अब जैसे आपने पढ़ा था पंच क्लेश कौन से कौन थे, पांचवा क्लेश चल रहा है, हमने ऊपर के चार पढ़ लिए। हाँ, इसमें आइए, क्या नाम है आपका? निष्ठा जी। जी, इसमें बोलिए आप। स्व स्व रस रस
वाही वाही स्वरस्वाही स्वरस्वाही ठीक है विदुषो विदुषो अपि अपि ये जो एस बना हुआ है ना इसको अ बोलते हैं संस्कृत में आ की आवाज आती है जब इसको तोड़ेंगे तो अ की आवाज आएगी इकट्ठा होगा फिर अ की आवाज नहीं है अब आप इसको बोलेंगे ना तो विदुषो अपि नहीं बोलेंगे विदुषो पी बोलेंगे अ नहीं बोलेगा विदुषो पी ठीक है स्वर स्वाही विदुषो पी स्वर 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 स्वाही विदुषो पी गुड फिर बोलिए तथा तथा अरूढ़ो अरूढ़ो तथा अरूढ़ो तथा अरूढ़ो अभिनिवेशः अभिनिवेशः स्वर स्वाही विदुषोपि स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः यहाँ पे भी आ है देखना ध्यान से रूढ़ो के बाद सीधे आपने डो के बाद अ नहीं बोलना सीधा भी पे जंप करना है तथा रूढ़ो भिनिवेशः तथा रूढ़ो भिनिवेशः स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः अ बोल के जी आप अ नहीं बोलना जी स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः बहुत बढ़िया सौरभ जी सौरभ जी पूजा भारती जी स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः आ नहीं बोलेगा रूढ़ो में आ नहीं है स्किप होगा साइलेंट हो जाएगा तथा रूढ़ो भिनिवेशः ओके स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः अब आप आ गया बोल गई विदुषो अपि नहीं बोलेगा विदुषो पी बोलेगा ओके सर स्वर स्वाही विदुषो पी तथा रूढ़ो भिनिवेशः आइए क्या नाम है आपका पूजा भारती जी स्वर स्वाही विदुषो पी तथा रूढ़ो भिनिवेशः बहुत बढ़िया जी पूजा रानी जी स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सर मैं लेफ्ट कर रहा मैं क्लास जा रहा सर ठीक है ठीक है ठीक है आप अब आप पहले निष्ठा जी बोलेंगे फिर पूजा भारती जी बोलेंगे फिर पूजा रानी जी बोलेंगे ठीक है तीनों ने बोलना है ते ते प्रतिप्रसव हेया प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा सूक्ष्मा अब इसको तोड़ेंगे तो ते ते प्रति प्रति प्रसव प्रसव हेया हेया सूक्ष्मा सूक्ष्मा हाँ ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा हा ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा हा हेया सूक्ष्मा इकट्ठा बोल गए इसको थोड़ा सा आपको ये गैप दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं ठीक है ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा हा ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा हा बहुत बढ़िया आगे जब भी आपको पढ़ना है ऐसे ही पढ़ना है जहां दो विसर्ग गए वहां एक सेकंड का पॉज लो देन नेक्स्ट वर्ड को आप पढ़िए उसके बाद आइए पूजा भारती जी ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः हाँ पूजा रानी जी ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः सूक्ष्मा नहीं सूक्ष्मः सूक्ष्मः अभी हम आज 10 को ही पढ़ते हैं फिर से पढ़ेंगे इनको जी पढ़िए जिनको क्या नाम था निष्ठा जी आइए सामने त
तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। बहुत बढ़िया जी। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। बहुत बढ़िया जी। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। पूजा रानी जी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन पहले से आप बहुत बेटर हो, ठीक है? थोड़ी सी और मेहनत करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, लेकिन ये ऐसे एक बार बोलने से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? नहीं तो इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन सकते हैं। ऐसा बुक है मेरे पास, इसकी बुक से नहीं, आप चैंट करोगे ना तो साथ में उसको रिकॉर्ड कर लो, सॉरी उसको डाउनलोड कर लो, और उसको आप घर के काम करते हुए ब्लूटूथ लगा के या ईयरफोन लगा के आप उसको सुनो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किसके बाद क्या वर्ड है, क्या स्किप हो रहा, किस पे ज्यादा वर्ड पे जोर दिया जा रहा, किस पे कम। पढ़ लेते हो आप, बस बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जब आप उसको सुनते रहोगे ना बार बार, सुनो सुनो, घर के काम गए, कहीं स्कूल की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, ट्यूशन से लाने जा रहे हैं, या कहीं और कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं, और कहीं आप बस में ट्रेवल कर ले तो अपना ईयरफोन लगा उसको सुनो, ठीक है? आधा पौना जो भी घंटा आपका उसको यूटिलाइज करो, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट आइए जी सामने। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। बहुत बढ़िया जी। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च जी। पूजा जी, आपको थोड़ा सा और पोज लेने की जरूरत है, विसर्ग जहां है उसके बाद थोड़ा सा रुकिए, देन आप स्टार्ट करिए, ठीक है? एक दूसरे को आप सुना करो ना, आप जैसे निष्ठान जी ने बोला, आपने सुना नहीं ध्यान से, अगर आप सुनते तो आपको पता चलता अच्छा इतनी देर रुकी है ये बीच में, तब जाके एक क्लेश पे जंप किया इन्होंने। चलिए पूजा भारती जी। हाँ हाँ बोलिए। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। आप रुके तो नहीं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। गुड, आइए पूजा रानी जी। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करुणार्थश्च। करुणा नहीं है, करणार्थश्च। करणार्थश्च। पूरा बोलिए। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश तनु, कोई बात नहीं, क्लेश तनु करणार्थश्च। भाग तो गए नहीं, देखो आप भागने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। अब नहीं, थोड़े दिन बाद पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। और बहुत अफसोस होगा जब यही सूत्र दे के आपसे पूछेंगे कि ये कौन से पाद का कितने नंबर का सूत्र है, या इसको बीच में से तोड़ देंगे, क्लेश और करणार्थ तोड़ दे रखेंगे, बीच का तोड़ के आपसे पूछेंगे, और अगर सूत्र याद होगा तो फट देसी आपको याद आ जाएगा और आप फिल कर दोगे, नहीं तो फिर रह गए और फिर पछतावा होगा, ओहो कितना जोर दिया था फिर भी रह गए, और इसी में मैं कम थी, पढ़ लेती तो ठीक रहती। चलिए फिर से बोलिए इसको। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश तनु करणार्थश्च। हाँ सही है, बोल तो रहे हो आप। चलिए जी, निष्ठा जी। अविद्यास्मिता अविद्याश्मिता राग द्वेषाभिनिवेश क्लेशः। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश क्लेशः। गुड गुड। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश क्लेशः। बहुत बढ़िया जी, गुड गुड। नेक्स्ट। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां प्रसुप्त तनु विचिन्नो उदाहरणानां। गुड। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां प्रसुप्त तनु विचिन्नो उदाहरणानां। गुड। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां प्रसुप्त तनु विच्छोदाराणां। विच्छिन्नोदाराणां। विच्छिन्नो विच्छिन्नो
च छ विच्छि विच्छिन्नो दाराणाम विच्छिन्नो। आप इसको पढ़ लीजिए, हिंदी का ये वर्ड है ना विच्छिन्न। कुछ कुछ शब्द में हो रहा है मिस्टेक। हाँ वो तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है, पर उसको खत्म करो। ओके सर। बोलिए पूजा रानी दोबारा से इसी को। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छुनो दाराणाम। विच्छो क्यों बोल रहे हो? विच्छी बोलो ना, विच्छिन्न विच्छिन्नो विच्छिन्नो दाराणाम। अब फिर से बोलिए इसको पूरा। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। गुड, अब आपने बोल दिया, बहुत अच्छा है। आप भूल जाओगे इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये मुत्रेशाम ऐसे नहीं बोलना आपने, मुत्त है त आधा त फिर त है, ठीक है? तो ये एकदम से बोलेगा अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम, ऐसे बोलेगा मुत्रेशाम, ऐसे नहीं बोलेगा ये। चलिए जी, हमने अविद्या पढ़ लिया, अब अविद्या से शुरू करते हैं। अनित्यासुचि दुखनात्मसु नित्यसुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। बहुत बढ़िया। अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। गुड। अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। गुड। दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वाश्मिता। बहुत बढ़िया। दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वाश्मिता। गुड। दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वाश्मिता। गुड। अविद्या पढ़ लिया, अस्मिता पढ़ लिया, अब राग पे आ गए। सुखानुशयी रागः। नेक्स्ट। सुखानुशयी रागः। नेक्स्ट। सुखानुशयी रागः। दुःखानुशयी द्वेषः। गुड। दुःखानुशयी द्वेषः। दुःखानुशयी द्वेषः। हाँ, ऐसे आप इसको थोड़ा टोन में बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं, मैं वो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा लय में बोलेंगे, थोड़ा गीत की भाषा में बोलेंगे आप इसको तो अच्छा रहेगा, फ्लो में बोलेंगे। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः। गुड। स्वस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः। हाँ, अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, अभिनिवेश हो गया, उसके बाद चलते हैं। चलिए जी। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। गुड। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। ठीक है जी। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मः। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम 10 सूत्रों को ही अध्ययन करेंगे और